वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस। जो हमारी हमारा टो है फिलामेंट फॉर्म में, हमारी टो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेपल फॉर्म में, स्टेपल फाइबर को में हम कट करते हैं और उसको हम टॉप फॉर्म में जो है चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरे कंप्लीट टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस, ये हमारी टो है, फिलामेंट टो है। टो हम किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ फिलामेंट एक साथ असेंबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ फिलामेंट की संख्या ज्यादा होती है तो हमारे फिलामेंट एक रोग की तरह जो है दिखने लगते हैं, इसको हम टो कहते हैं। टो में जो है फिलामेंट की संख्या नियर अबाउट 30,000 या उससे एबव होती है। इस अगर इस तरीके के 30,000 फाइबर को, फिलामेंट को अगर एक साथ असेंबल कर दिया जाए तो हमारी फिलामेंट जो है एक रोप की तरह दिखने लगते हैं जिसको हम टो कहते हैं। इस टो कंटिन्यूअस टो को हम कन्वर्ट करते हैं स्टेपल फाइबर में। जनरली जो है स्टेपल स्पिनिंग के केस में, कॉटन और विस्कोस फाइबर के केस में या अदर फाइबर के केस में जो है हम अगर इस फाइबर को अगर मिक्सिंग करना है कॉटन फाइबर के साथ, अगर हमें पॉलिस्टर फाइबर की मिक्सिंग करना है तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ऑलरेडी अकॉर्डिंग एज पर ऑर्डर उस स्टेपल लेंथ में जो है कन्वर्ट करके ही जो है बेल फार्म में पैक करके सप्लाई देते हैं। यहाँ पे जो है हम टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस को जो है परफॉर्म करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे हमारा जो है यार्न प्रोड्यूस होता है जनरली। तो हमें जो है इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग की जो है इस टाइप के कन्वर्जन की क्या जरूरत पड़ती है? जनरली उल स्टेपल उल फाइबर के केस में, उल के हम केस में जो हमारे स्टेपल लेंथ में फाइबर लेंथ में वेरिएशन का रेंज ज्यादा होता है और फाइबर स्टेपल लेंथ भी जो है अलग लॉन्ग होती है। उस केस में जो है हमें इस टो को हम टो को परचेज करते हैं और टो को अकॉर्डिंग टू आवर फाइबर लेंथ हम इस टो को फाइबर लेंथ को जो है कट करते हैं और हम इसको कन्वर्ट करते हैं टॉप फार्म में या कैन फार्म में मेटल को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टो टू टॉप कन्वर्जन का जनरली हम यहाँ दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेच ब्रेकिंग एंड कट मेथड। स्ट्रेच ब्रेकिंग में फाइबर को हम कंटिन्यूअस ड्राफ्ट के माध्यम से जो है उसको खींचते जाएंगे और एक सर्टेन ड्राफ्ट के रेंज में हमारा फाइबर ब्रेक हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसको हम जो है स्ट्रेच ब्रेकिंग कहेंगे। और एक कटर के माध्यम से हम एक पर्टिकुलर लेंथ में फाइबर को कट करेंगे, उसको हम कट मेथड कहेंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों मेथड को, आइए देखते हैं। टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस में हम यहाँ पे स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन देख रहे हैं। जनरली स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन जो है हम एक्रेलिक फाइबर के केस में जनरली हम इस मशीन को जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप जो है पीछे हमारी बेल रखी हुई है, बेल जो है सिंगल बेल, सिंगल टो या डबल टो हम यहाँ पे फिट करते हैं और टो हमारी पास होती है हीटिंग जोन से, हीटर से, और हीटर के बाद जो हमारा जो है स्ट्रेचिंग जोन होता है, फर्स्ट स्ट्रेचिंग जोन, सेकेंड जोन और फाइनल जोन, और उस फाइनल जोन में पहुंचते पहुंचते हमारे फाइबर जो है ब्रेक होने लगते हैं, फाइबर ब्रेक होते हैं। जिस हम स्टेपल लेंथ का फाइबर ब्रेक करना चाहते हैं उस स्टेपल लेंथ के अनुसार हम अपने फाइनल स्ट्रेचिंग जोन को जो है एडजस्ट करते हैं और फाइबर ब्रेक होते जाते हैं, ब्रेक होकर के आगे फाइबर कंडेंस कर लिए जाते हैं और कंडेंस करके यहाँ स्टीमिंग करते हैं और फाइबर को हम फाइनली कैन में कलेक्ट कर लेते हैं, स्टेपल फाइबर। यहाँ जो है अब फाइबर हमारा टो से कन्वर्ट हो गया किसमें? स्टेपल फाइबर में। ये हमारा स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन है। जनरली हम लोग जो है इस मशीन को एक्रेलिक के केस में, एक्रेलिक फाइबर को हम जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक्रेलिक उल का रिप्लेसमेंट फाइबर है, तो उल एक्रेलिक का जो नेचर है उस नेचर के अनुसार हम स्ट्रेच ब्रेकिंग मेथड से एक्रेलिक यार्न को जो है प्रोड्यूस करते हैं, टो से जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं फाइबर में और फिर हम यार्न को प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि एक्रेलिक के केस में हम जो फाइबर जो मिक्सिंग करते हैं बल्क प्रोड्यूस करने के लिए, श्रिंकेबल और नॉन श्रिंकेबल दो फाइबर को हम एक साथ मिक्स करते हैं या उसको रेगुलर या इरेगुलर फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम हीटिंग जोन से जब फाइबर को पास करते हैं तो ये हमारे फाइबर जो है नॉन श्रिंकेबल फाइबर कहलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइबर जो है श्रिंक हो चुके हैं, अब ये प्रोसेस में यार्न बनने पे ये फाइबर श्रिंक नहीं होंगे तो ये हमारे नॉन श्रिंकेबल फाइबर होंगे। इनके साथ में हम मिक्स करते हैं श्रिंकेबल फाइबर को जो जो हीटिंग जोन से पास नहीं होते, और जब यार्न प्रोड्यूस होता है जब उसको हम स्टीमिंग जोन में ले जाते हैं तो
हमारे जो है नॉन श्रिंकेबल फाइबर श्रिंक होगा और नॉन श्रिंकेबल सिक नहीं होगा। इस तरीके से यार्न में एक बल्क प्रोड्यूस होता है, यार्न हमारा जो है बल्कि यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं प्रोसेस को। पावरफुल हीटर फॉर हाई वर्किंग स्पीड, आप जो है पीछे आपने जो स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन देखा उसमें हीटर लगा हुआ है, हीटर 1.5 मीटर लेंथ का होता है। जनरली इस हीटर से जब हम मटेरियल जो है हमारा पास होता है, हीटर का टेम्परेचर हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नियर अबाउट रखते हैं, यानी एक नॉर्मल हीटिंग टेम्परेचर रखते हैं, जिससे हमारे फिलामेंट में कोई में डिफॉर्मेशन, मॉलिक्यूल में कोई डिफॉर्मेशन ना हो। आगे बढ़ते हैं, टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस को हम देखते हैं किससे, स्ट्रेच ब्रेकिंग मेथड और टॉप कटिंग मेथड, यहाँ दो मेथड हमारे इन्वॉल्व होंगे। हम जानते हैं कि हमारा टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस क्या है। आइए देखते हैं टो टू टॉप कन्वर्जन। दिस टर्म डिफाइन द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केबल ऑफ कंटिन्यूअस फिलामेंट टो इनटू स्लाइबर ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर टॉप्स। कह रहे हैं कि ये जो आप टर्म जो देख रहे हैं टो टू टॉप कन्वर्जन, कह रहे हैं कि दिस टर्म डिफाइन द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केबल कंटिन्यूअस फिलामेंट। जो हमारा फिलामेंट फाइबर है, कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर है, केबल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये नंबर ऑफ फिलामेंट एक साथ असेंबल है, तो इसको हम टो कहते हैं। इस टो को जो है डायरेक्ट कन्वर्जन, हम इस टो को इस फाइबर को जो है ब्रेक करके स्टेबल फाइबर में हम ब्रेक कर लेते हैं या कट कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट जो है कन्वर्जन करते हैं हम टॉप फॉर्म में, तो इस कन्वर्जन प्रोसेस को टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन फाइबर अलाइनमेंट डज नॉट गेट लॉस्ट एज इट हैपन इन केस मशीन कटिंग। कह रहे कि जब हम ये टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में हम जो फाइबर अलाइनमेंट है, फाइबर ओरिएंटेशन है, उस फाइबर ओरिएंटेशन को हम मेंटेन करते हैं जिससे फाइबर हमारे एक दूसरे के पैरेलल बने रहे। द वूलन स्पिनिंग सिस्टम विच रिक्वायर द यूज ऑफ फाइबर विथ वेरिएबल लेंथ डायग्राम इन सिमिलर टू वूल। वूलन स्पिनिंग सिस्टम में जो है हमारे फाइबर की लेंथ में मेजर वेरिएशन होता है और उस मेजर वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम फाइबर जो हमारे मिक्सिंग फाइबर है, पॉलिस्टर है, नायलोन है, उस फाइबर को हम अकॉर्डिंग टू वूलन फाइबर की स्टेपल लेंथ के अनुसार हम इस फाइबर को कन्वर्ट करते हैं। डी टू मेजर टेक्नोलॉजी आर, और इस कन्वर्टिंग मेथड में हमारी दो मेजर टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व होती हैं, टो टू टॉप स्ट्रेच ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एंड टो टू टॉप कटिंग टेक्नोलॉजी। यानी फाइबर को हम स्ट्रेच करते जाते हैं, टो को हम एक कंटिन्यूअस स्टेप टू स्टेप जो है हम स्ट्रेचिंग करते हैं और उस स्ट्रेचिंग फाइनल स्ट्रेचिंग में हमारे फाइबर टो जो है ब्रेक होने लगती है, फिलामेंट हमारे ब्रेक होने लगते हैं और स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस मेथड को हम टो टू टॉप स्ट्रेच ब्रेकिंग मेथड कहेंगे। और टो टू टॉप कटिंग टेक्नोलॉजी, जब हम टो को एक कटर के माध्यम से, स्पाइरल कटर के माध्यम से फाइबर को कट करते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ में हम जब कट करते हैं उसको हम टो टू टॉप कटिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ हम दोनों टेक्नोलॉजी को देखेंगे। जनरली स्ट्रेच ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो हमारी एक्रेलिक फिलामेंट में, एक्रेलिक फाइबर में जो है एक्रेलिक यार्न प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और टो टू टॉप कटिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम पॉलिस्टर और नायलोन की कटिंग करते हैं, ये जनरली जो है वूलन सिस्टम में, वर्से सिस्टम में जो है फाइबर को मिक्स करने के लिए, वूल के साथ मिक्स करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टो टू टॉप स्ट्रेच ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसको, स्ट्रेच ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को। जो हमने दो टेक्नोलॉजी देखा उसमें से हम स्ट्रेच ब्रेकिंग को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन सिंपल प्रिंसिपल विच कंसिस्ट इन ड्रॉइंग द टो ग्रेजुअली इन ए कंट्रोल वे अंटिल द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द फाइबर इज रिच्ड। कह रहे हैं कि एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, और इस सिंपल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम फाइबर को कंटिन्यूअस ड्रॉइंग करते जाते हैं, खींचते जाते हैं फाइबर को, स्टेप टू स्टेप हम कंटिन्यूअस जो है ग्रेजुअली हम खींचते जाते हैं और एक फाइनल स्टेज पे फाइबर हमारे जो है एक पर्टिकुलर जो हमारे दो रोलर के बीच में जो गैप होता है उस पर्टिकुलर लेंथ में हमारे फाइबर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। दिस ब्रेकेज टेक्स प्लेस विद इन ऑपरेटिंग जोन ड्राफ्टिंग जोन, और ये ब्रेकेज जो है उस ड्राफ्टिंग जोन के अंदर जो है ब्रेकेज होता है। कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ ड्राफ्टिंग असेंबली विच ओरिजिनेट ए स्लाइबर विद ट्रायंगुलर शेप, और ये जो हमारी जो ब्रेकिंग की का प्रोसेस है ये
ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट, वन बाय वन स्टेप टू हमारा ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट होता है, और उस ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट में हमारा फाइबर फाइनल स्टेज में जो है ब्रेक होता है, और फाइनल स्टेज में जहां पे हमारा फाइबर ब्रेक होता है उसको हम जो है ड्राफ्टिंग असेंबली विच ओरिजिनेट इस फाइबर विद ट्रायंगुलर शेप फाइबर डायग्राम आल्सो कॉल्ड सू शेप डायग्राम, और फाइनल में जहां पे हमारा फाइबर ब्रेक होता है वहां पे हम ट्रायंगुलर शेप में फाइबर को जो है कलेक्ट करते जाते हैं, यानी हम एप्रन प्लेट पे जो है फाइबर को हम कंडेंस करते हैं, और कंडेंस होकर के ये ट्रायंगुलर शेप लेता है। दिस प्रोसेस फाइंड इट्स ऑप्टिमल एप्लीकेशन इन प्रोसेसिंग ऑफ एक्रेलिक फाइबर इन व्यू ऑफ इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफ इट्स सुटेबिलिटी फॉर पार्टिकुलर एप्लीकेशन एग्जाम्पल एंड यूजेज। यहाँ पे जो है दिस प्रोसेस इट्स ऑप्टिमल एप्लीकेशन, कह रहे कि इस प्रोसेस का स्ट्रेच ब्रेकिंग प्रोसेस का हम मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो हम एक्रेलिक प्रोसेस में, एक्रेलिक यान के फॉर्मेशन में हम करते हैं। एक्रेलिक फाइबर का जो नेचर होता है, जो उसका बेसिक नेचर है, उस नेचर के अनुसार हमारा जो है स्ट्रेच ब्रेकिंग मेथड जो है बेस्ट सुटेबल मेथड प्रोसेस हो जाता है। दिस एक्रेलिक फाइबर इन फैक्ट कैरेक्टराइज बाय ए रिलेटिवली लो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। हमारा जो स्ट्रेच ब्रेकिंग में जो है एक्रेलिक फाइबर इस्तेमाल होता है, इस एक्रेलिक फिलामेंट का जो है जो स्ट्रेंथ है जनरली जो है दूसरे फाइबर के कंपेरिजन में, पॉलिस्टर और नायलॉन के कंपेरिजन में लो होता है, तो स्ट्रेच ब्रेकिंग में एक्रेलिक फाइबर आसानी से ब्रेक हो जाता है कंपेयर टू फाइबर पॉलिस्टर एंड नायलॉन। दूसरे पॉलिस्टर और नायलॉन के फाइबर में इसकी स्ट्रेंथ कम होती है जो आसानी से ड्राफ्टिंग जोन में ब्रेक हो जाते हैं। प्रोटोटाइप स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन इज कंपोज्ड बाय फॉलोइंग यूनिट। आपने देखा कि हम स्ट्रेच ब्रेकिंग जो है प्रोसेस कैसे कैसे परफॉर्म होता है, और ये प्रोसेस जो है एक्रेलिक फाइबर के लिए बेस्ट सुटेबल प्रोसेस होता है। अब हम इस मशीन के प्रोसेस को जानेंगे कि मशीन हमारी कैसे इस परफॉर्म करती है, प्रोसेस जो है मशीन में कैसे परफॉर्म होता है। तो हमारी जो मशीन है, मशीन में जो है फीडिंग क्रिल होती है, क्रिल से जो है हीटिंग जोन में जाएगा, हीटिंग से जो है वन टू स्टेप हमारे ड्राफ्टिंग यूनिट में जाएगा, और फाइनल स्टेज में हमारा फाइबर स्ट्रेच स्ट्रेचिंग के माध्यम से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर के फाइबर को हम कलेक्ट कर लेते हैं। आगे फाइबर हमारे कलेक्ट होकर के कंडेंसिंग यूनिट में जाते हैं जहाँ पे हम स्टीमिंग करते हैं, और स्टीमिंग से निकल करके हमारे फाइबर जो है कैन में कलेक्ट कर लिया जाते हैं। ये हमारा प्रोसेस होगा। आइए देखते हैं वन बाय वन। फीडिंग क्रिल जो हमारी बेल है जिस जो टो है, टो जो है बैक साइड में हमारी मशीन के बैक साइड में रखी है, जहाँ पे क्रिल है क्रिल से टो जो है पास होकर के आगे बढ़ती है। फीडिंग क्रिल द टो वन आर टू, यहाँ पे एक टो इस फीड होगी या दो टो, दो टो हम मैक्सिमम फीड करते हैं। रीचिंग द मशीन मस्ट बी रेगुलर सेंटर्ड ओपन एंड स्ट्रेच विदाउट इंटेंगलमेंट एंड डिस्टॉर्शन। कह रहा है कि जो टो है वो जो हमारी टो क्रिल से जो है ओपन होकर के रेगुलर सेंटर्ड बीच में ओपन एंड स्ट्रेच स्ट्रेचिंग होकर के विदाउट इंटेंगलमेंट, उस टो में जो है किसी भी तरीके का इंटेंगलमेंट ना हो, और इस तरीके से जो हमारी फिटिंग से जो है टो पास होती है। इन ऑर्डर दैट मैकेनिकल कमिंग फ्रॉम द बेल्स अराइव फ्रॉम द टॉप एट द फिटिंग पॉइंट्स आफ्टर पासिंग थ्रू द सीरीज ऑफ बार माउंटेड अबव द मशीन। कह रहे कि ये क्रिल जो है ऊपर जो हमारे क्रिल अरेंजमेंट लगे हैं, जो जिगजॉग क्रिल लगे हैं, उन जिगजॉग क्रिल से हमारी जो है टॉप पास होते हुए जो है फिटिंग यूनिट से पास होते हुए जो है ड्राफ्टिंग की जो ड्राफ्टिंग सीरीज लगी हुई, इस ड्राफ्टिंग सीरीज में हमारे फिलामेंट पास होते हैं। यहाँ पे जो है आप मशीन में देखें, यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, फिगर में आपका ये फिटिंग यूनिट है, टो ये टो जो है आपकी जो है टो बेल से आ रही है और टो जो है पास हो रही है। यहाँ पे जिगजाग हमारी क्रिल यूनिट है, क्रिल यूनिट से जो है ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेचिंग जोन है। ड्राफ्टिंग एरिया हीटिंग प्लेट्स, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेचिंग जोन है, इसके बीच में जो है हमारे हीटिंग प्लेट्स लगी होती हैं, और ये हीटिंग प्लेट्स जो है नॉर्मल एक ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लगा होता है, जिससे जो है हमारे फिलामेंट जो है नॉर्मली हीटेड हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेचिंग आसान हो जाती है। और ये हमारी सेकेंड स्ट्रेचिंग जोन है, यहाँ पे जो है लॉन्ग ड्राफ्टिंग एरिया है, यहाँ पे हमारे आफ्टर हीटिंग जो है स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद जो है थर्ड स्ट्रेचिंग जोन एंड फाइनल स्ट्रेचिंग जोन, जहाँ पे हमारे फाइबर जो है ब्रेक हो जाते हैं स्टेपल फाइबर में।
इस एडजस्टेबल होता है। यहाँ जो गेज लेंथ है, फाइबर की निप डिस्टेंस है, ये एडजस्टेबल होती है। जिस लेंथ के हमें फाइबर ब्रेक करने हैं उस लेंथ के अनुसार हम इस रोलर को एडजस्ट कर लेते हैं और उस लेंथ के फाइबर को हम स्ट्रेस ब्रेकिंग माध्यम से ब्रेक कर लेते हैं। और इसके बाद जो है फाइबर हमारे जो है कंडेंसिंग जोन में जाते हैं, ड्राफ्टिंग जोन में जाते हैं, और ड्राफ्टिंग जोन से हम फिर कैन में कलेक्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट ड्राफ्ट जोन लेंथ 1.5 मीटर अप्रॉक्स, जो फर्स्ट ड्राफ्ट जोन है 1.5 मीटर अप्रॉक्स है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू प्लेट्स, कह रहा कि और ये जो है यहाँ पे दो प्लेट्स हैं विथ एडजस्टेबल हीटिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर हीटर्स की दो प्लेट है जो हम टेम्परेचर को जो है आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। विथ हीट द फाइबर रनिंग थ्रू इट दस फेवरिंग देयर ड्रॉ, और यहाँ पे हीटर जो है रनिंग में जो है रनिंग टो को जो है हीट करता रहता है, जो हमारे ड्रॉइंग में जो है हेल्प हीटेड टो जो है हेल्प करती है ड्रॉइंग में। यहाँ पे आपने मशीन का जो है डिजाइन देखा जिससे हमारा मटेरियल जो है पास हो रहा है प्रोसेस स्ट्रेचिंग मेथड में। द सेकेंड ड्राफ्ट जोन लॉन्ग ड्राफ्ट जोन, सेकेंड ड्राफ्ट जोन लॉन्ग ड्राफ्ट जोन, आप यहाँ पे सेकेंड ड्राफ्ट जोन देख रहे हैं जो लॉन्ग ड्राफ्ट जोन है, लॉन्ग ड्राफ्ट जोन विच हैज ए लेंथ सिमिलर टू प्रीसीडिंग जोन, कैरीज आउट ए प्रिलिमिनरी स्ट्रेस ब्रेकिंग टू प्रोड्यूस फाइबर ऑफ लेंथ कंप्राइज्ड बिटवीन 1 and 4 meter। द सेकेंड ड्राफ्ट जोन इज फॉलोड बाय द इन ड्राफ्ट जोन कंपोज ऑफ 3 ड्रॉइंग हेड्स, द सेकेंड एंड थर्ड ऑफ विच आर मोबाइल टू इनेबल मॉडिफाइड द गेज एंड सेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइबर डायग्राम। यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड ड्राफ्टिंग जोन है, लंबा जोन होता है, और उसके बाद जो है हमारा मेटेरियल सेकेंड थर्ड में और फोर्थ में जाता है। जो थर्ड और फोर्थ होता है वो मूवेबल होता है, हम गेज को जो है एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाइबर लेंथ, जो हमें फाइबर लेंथ में फाइबर को ब्रेक करनी है उस लेंथ के अनुसार हम गेज को एडजस्ट कर सकते हैं। दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइबर डायग्राम, अदर मशीन आर इक्विप्ड ऑल्सो विद कूलिंग सिस्टम फॉर रोलर एंड प्रेशर रोलर बाई मीन्स ऑफ इंटरनली सर्कुलेटिंग कूल्ड वाटर, कह रहे हैं कि जो इसमें रोलर लगे होते हैं जनरल जो है मशीन में उसको हम कूलिंग करते हैं, उस रोलर के अंदर जो है कूल्ड वाटर पास होता है जिससे हम रोलर हमारे कूल बने रहते हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रेच ब्रेकिंग जोन आप देख रहे हैं, फिलामेंट इंटर कर रहा है, फर्स्ट स्ट्रेच जोन जहाँ पे हीटर लगा रहता है, उसके बाद सेकेंड स्ट्रेचिंग जोन, थर्ड एंड फोर्थ, इस फाइनल स्टेज पे फाइबर हमारे ब्रेक हो जाते हैं। शॉर्ट स्टेपल फाइबर में ये दोनों जोन जो है थर्ड और फोर्थ जो है एडजस्टेबल होते हैं, हम जो है गेज लेंथ को इनके बीच के जो है दो रोलर के बीच की लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाइबर लेंथ, जो हमें लेंथ में फाइबर को ब्रेक करना है। उसके बाद हमारा फाइबर जो है इस ड्राफ्टिंग यूनिट ड्राफ्टिंग जोन में पहुंचता है, जहाँ पे हमारे जो है गिलबॉक्स हेड जो लगा होता है, गिलबॉक्स हेड लगा होता है, और इस गिलबॉक्स हेड से फाइबर हमारे इंटेंगल फाइबर स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेट पैरालाइज होकर के स्ट्रेट होकर के ड्राफ्टिंग होकर के आगे कैन में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। व्हाइल लिविंग द लास्ट ब्रेकिंग जोन द स्लाइबर इज कॉन्सोलिडेटेड बाई एन एयर जेट नोजल, यानी हम जब लास्ट लिविंग जो ब्रेकिंग जोन से फाइबर ब्रेक होकर के आगे निकलता है तो हम फाइबर को कलेक्ट करते हैं, कॉन्सोलिडेट करते हैं एयर नोजल के माध्यम से, एंड देन कन्वेड टू क्रिम्पिंग बॉक्स, और उसके बाद जो है फाइबर क्रिम्पिंग बॉक्स में इंटर करते हैं। विच इज कम्पोज ऑफ टू कैलेंडर, जो कि दो कैलेंडर रोलर जिस के माध्यम से हम एक कंप्रेस करते हैं मेटल को, ए डिवाइस फॉर कंटिन्यूस एंड लिनियर स्टीमिंग फॉलोड बाई परमिट इट इफ नेसेसरी। उसके बाद जो है हमारी एक डिवाइस लगी होती है जो स्टीमिंग फाइबर को यहाँ पे स्टीमिंग देती है, अगर ये आवश्यक हो तब ए टोटल रिट्रैक्शन ऑफ फाइबर एट 110 to 115, यहाँ पे जो टेम्परेचर हम रखते हैं जनरली 110 to 150 degrees centigrade, द स्लाइबर आर टॉप इज देन कलेक्टेड इन टू कैन देन ऑटोमेटिक कैन चेंजिंग, और हमारी फाइनल जो स्टेज पे जो मशीन के जो जहाँ पे स्लाइबर जो है कैन में जो है कलेक्ट किया जा रहा है और कैन ऑटोमेटिकली जो है चेंज होते रहते हैं, ये हमारी फाइनल स्टेज पे फाइबर हमारा स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट होकर के कैन में जो है कलेक्ट कर लिया गया।
इंटीग्रेटेड ड्रॉइंग फ्रेम, और यहाँ पे हमारी स्ट्रेच ब्रेकिंग थी, और इस स्ट्रेच ब्रेकिंग के साथ में ड्रॉइंग फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम हमारा जो हेड होता है, आगे का हेड जो है ड्रॉ फ्रेम का मशीन के साथ अटैच होता है, जिससे जो है यहाँ पे मेटल की ड्रॉइंग और जो है ड्राफ्टिंग भी, ड्राफ्टिंग और पैरलाइजेशन भी जो है परफॉर्म होता है। इंटीग्रेटेड ड्रॉइंग फ्रेम, दिस मशीन कंप्लीट द प्रोसेस एंड हैज द टास्क ऑफ प्लकिंग, मिक्सिंग एंड रेगुलराइजिंग द स्लाइबर थ्रू एंड इफेक्टिव डबलिंग एंड ड्रॉइंग एक्शन। यहाँ पे जो है फाइनल स्टेज पे हमारी जो है इंटीग्रेटेड ड्रॉ फ्रेम जो लगी रहती है, जहाँ पे हम फाइबर की जो है मिक्सिंग, फाइबर की मिक्सिंग करते हैं और फाइबर को ड्राफ्टिंग करके, ड्रॉइंग करके हम जो है आगे कलेक्ट करते हैं। दिस पैसेज परफॉर्म द मिक्सिंग ऑफ स्टीम सेट स्लाइबर विथ श्रिंकेबल स्लाइबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई बल्क टॉप्स। क्या है कि यहाँ पे जो है जो प्रोसेस जो परफॉर्म होता है, यहाँ पे जो हम मिक्सिंग करते हैं श्रिंकेबल फाइबर की और नॉन श्रिंकेबल फाइबर की, यानी अगर हीटिंग जोन से फाइबर हमारा पास जो टॉप पास हो रही है, ये हमारे जो है नॉन श्रिंकेबल फाइबर है, और इसी फाइबर के साथ हम एक वो फाइबर मिक्स कर रहे हैं जो श्रिंकेबल है, यानी जो हीटिंग जोन से पास नहीं हुए हैं और आगे अगर उनको स्टीम या हीट मिलती है तो वो श्रिंक होएंगे। तो ये दोनों फाइबर की हम यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं, इसी स्टेज पे हम मिक्सिंग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? हाई बल्क जो यार्न में जो है हाई बल्क यार्न प्रोड्यूस करने के लिए। एज द टू टाइप्स ऑफ स्लाइबर आर यूजली डबल इन इक्वल नंबर ऑफ स्लाइबर, द स्लाइबर द डिलीवर्ड स्लाइबर वेटेड इन कंपोज बाई अबाउट 55% स्टीम सेट फाइबर एंड 45% श्रिंकेबल फाइबर। यहाँ पे जो मिक्सिंग का जनरली जो रेशियो रहता है, यहाँ पे एक्रेलिक फाइबर की हम जो ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जनरली एक्रेलिक फाइबर के केस में ऐसा होता है, एक्रेलिक के केस में कि 55% हम जो है नॉन श्रिंकेबल, 55% हम नॉन श्रिंकेबल फाइबर को मिक्स करते हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग करते हैं, और 45% जो है श्रिंकेबल फाइबर को, यानी ये नॉन श्रिंकेबल फाइबर वो फाइबर है जो अब हीट के कंटेक्ट में या एयर स्टीम के कंटेक्ट में आने पे जो है ये श्रिंक नहीं होंगे, और 45% फाइबर ऐसे फाइबर हैं जिनको हीट के कंटेक्ट से पास नहीं किया गया और ये हीट का कंटेक्ट या स्टीमिंग जोन से पास किया जाए तो ये फाइबर श्रिंक होंगे। ये दोनों फाइबर को हम मिक्स करके और फिर इससे हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं। इससे ऐसा करने से जो हमने यार्न बना लिया, यार्न को जब स्टीमिंग जोन में हम यार्न बनने के बाद जब यार्न को हम स्टीमिंग जोन में ले जाते हैं तो जो श्रिंकेबल फाइबर होते हैं वो श्रिंक करते हैं और नॉन श्रिंकेबल नहीं श्रिंक करते हैं, जबकि दोनों फाइबर एक साथ ट्विस्टेड है। जब श्रिंकेबल फाइबर श्रिंक करेंगे तो नॉन श्रिंकेबल नहीं श्रिंक करेंगे, तो यहाँ पे बल्क बल्क जो है यार्न में बल्क प्रोड्यूस होता है, और ये बल्क जो है एक तरीके से ऊल का सब्स्टिट्यूट फाइबर के, अब ये यार्न हमारा जो ऊल का सब्स्टिट्यूट फाइबर के रूप में जो है तैयार हो गया, और इसको हम डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स के रूप में यूज करते हैं। टेक्निकल डाटा ऑफ स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन, टेक्निकल डाटा ऑफ द मॉडर्न टो टू टॉप स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन, लीनियर ले आउट ऑन वन लेवल विथ ओनली वन ऑपरेटिंग साइड, हेड ऑफ प्रिलिमिनरी ड्रॉइंग एंड स्ट्रेच ब्रेकिंग जो नंबर ऑफ 6, टोटल लीनियर मास ऑफ फेड टो 1R2 मैक्सिमम 240 kg। कह रहा है कि यहाँ पे जो है जो हमारी टो जो फीड होगी स्ट्रेच ब्रेकिंग में वो एक टो होगी या दो टो होगी, और मैक्सिमम इसका जो लीनियर डेंसिटी होगी वो 240 किलो टेक्स, यानी 240 किलो टेक्स इट मींस दैट पर मीटर जो हमारा वेट होगा वो 240 किलोग्राम 240 ग्राम से पर मीटर 240 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्रिलिक फाइबर 3.3 डिटेक्स, लीनियर मास ऑफ फिलामेंट 0.8 टू 17 डेसिटेक्स, जो हमारा फिलामेंट है एक फिलामेंट जो है 0.8 का होगा या 17, इस रेंज में हमारे फिलामेंट का जो है डेंसिटी होगी, लीनियर डेंसिटी यानी फाइननेस होगी। एवरेज स्टेपल लेंथ ऑफ स्ट्रेच ब्रोकन फाइबर 80 to 130 mm, जो स्ट्रेच ब्रेकिंग हम करते हैं वो फाइबर की लेंथ जो है 80 to 130 mm के बीच में होगी। डिलीवरी स्पीड मैक्सिमम 350, मशीन की जो डिलीवरी स्पीड होगी 350 मीटर पर मिनट। लीनियर मास ऑफ डिलीवर्ड स्लाइबर, जो स्लाइबर हमारा डिलीवर होगा स्लाइबर फार्म में स्ट्रेच ब्रेकिंग के बाद, वो 20 टू 60 किलो टेक्स के बीच में होगा। इफेक्टिव आउटपुट पर आवर 350 टू 500 ग्राम
500 केजी पर आवर, यानी मशीन जो है हमारी 350 से 500 ग्राम केजी पर आवर का प्रोडक्शन देगी। मशीन ओवरऑल डायमेंशन लेंथ, मशीन की जो ओवरऑल डायमेंशन लेंथ है वो जनरली 11.5 से 12 मीटर के बीच में, यानी मशीन हमारी जो है 11.5 से 12 मीटर की लंबाई की होती है। तो ये हमारा टेक्निकल मशीन का स्पेसिफिकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, टो टू टॉप कटिंग टेक्नोलॉजी। अब ऊपर हमने देखा स्ट्रेच ब्रेकिंग मेथड को डिस्कस किया, यहाँ पे हम टो टू टॉप कटिंग मेथड के, यानी टॉप टो को हम जो है कैसे स्टेपल फाइबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कटिंग मेथड से। फाइबर को हम यहाँ पे ऊपर की टेक्नोलॉजी में फाइबर को हम स्ट्रेच करके खींच करके फाइबर को ब्रेक कर रहे थे। अब यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, यहाँ पे जो है फाइबर को हम कट करेंगे किस कटर के माध्यम से, स्पाइरल कटर के माध्यम से हम फाइबर को फिलामेंट को जो है हम एक पर्टिकुलर लेंथ में कट करेंगे। तो आइए देखते हैं टो टू टॉप में कन्वर्जन इस मेथड से कैसे होता है। दी टो विच शुड बी रेगुलर शेप्स एंड यूनिफॉर्म थिकनेस रन बिटवीन द रोटेटिंग अपर रोलर इक्विप्ड विथ एन हेलिकल ब्लेड्स कटिंग रोलर एंड लोअर प्रेशर रोलर कॉल्ड एनविल। यहाँ पे जो है इस फिगर के माध्यम से हम पहले देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है आप ये प्रोसेस कह रहा है कि हमारा ये अपर जो है रोलर है ये स्पाइरल जो है स्पाइरल रोलर कटिंग रोलर है और नीचे हमारी एनविल है। एनविल यानी एक ठोस रोलर है जिसपे हम प्रेशर इस दोनों रोलर के बीच में प्रेशर जो है न्यूमेटिक प्रेशर देते हैं और उस प्रेशर उसके बीच से हम जो है हमारी टो पास होती है और एक कटर जो है जिस जो एक कटर कटिंग पीच है उस कटिंग पीच के अनुसार जो है फाइबर को फिलामेंट को जो है कट करता जाता है। तो आइए देखते हैं, दी टो विच शुड बी रेगुलर शेप्ड एंड यूनिफॉर्म थिकनेस रन बिटवीन द रोटेटिंग अपर रोलर इक्विप्ड विद द हेलिकल ब्लेड्स। जो इस कह रहे कि हेलिकल ब्लेड्स जिसमें जो है लगा हुआ है उस रोलर के बीच से हमारी टो पास होती है एंड लोअर प्रेशर रोलर कॉल्ड एनविल। और रोलर जो लोअर जो हमारा प्लेन रोलर है उसको हम एनविल कहते हैं। द एक्सर्टेड प्रेशर क्रशेस द फाइबर जो, और इसके बीच में जब हम दोनों रोलर के बीच में प्रेशर पुट करते हैं वो मिनिमम प्रेशर जिसपे हमारा फाइबर कट हो जाए, तो मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर क्रशेस द फाइबर लेवल विथ ब्लेड अंटिल दे आर कट। हम वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब तक कि हमारा फाइबर जो है कट नहीं हो जाए। प्रेशर एडजस्टेबल होता है, प्रेशर को हम एडजस्ट करते जाते हैं और वो प्रेशर हम रखते हैं जिसपे फाइबर हमारा कट हो जाता है। द लेंथ एंड वेरिएबिलिटी ऑफ कट आर ब्रॉट अबाउट द ब्लेड पिच। और जो हमारी जो वेरिएबिलिटी है लेंथ फाइबर की, किस लेंथ में हमारा फाइबर कट होगा इस पे जो है फाइबर ये जो है जो हमारा स्पाइरल कटर है स्पाइरल कटर की पिच पे डिपेंड करता है। और इस जो हमारा स्पाइरल कटर है स्पाइरल कटर हमारा जो है ट्रेवर्स मोशन करता है, उस ट्रेवर्स मोशन के पे डिपेंड करता है कि हमारा जो है लेंथ में वेरिएशन का रेंज क्या होगा। ट्रेवर्स को हम कम ज्यादा करेंगे वेरिएशन का हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टो टू टॉप स्ट्रेच ब्रेकिंग मशीन को आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो टो हमारी फिट की, दो टो हैं, टो बेल है जो हमारी इस मशीन में फिट की जा रही है। ये हमारी क्रील है, हाइट पे क्रील है, इस जिगजॉग क्रील बार है। इस जिगजॉग क्रील बार से हमारी जो है टो पास होती है जिससे जो हमारी क्रील टो जो है स्ट्रेट होती जाती है, टो हमारी ओपन हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, कोई इंटेंगलमेंट है तो ओपन हो जाता है। और इस स्ट्रेट जो है हमारी टो जो है इस स्ट्रेचिंग जोन में, ये हमारा जो है मिडिल का पोर्शन देख रहे हैं ये स्ट्रेचिंग जोन है, इस स्ट्रेचिंग जोन से पास होती है जहाँ दो रोलर जो है दो ड्राफ्टिंग रोलर लगे रहते हैं यहाँ पे प्रेशर के माध्यम से इस स्ट्रेचिंग जोन में टो को जो है स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है। एक नॉर्मल जो है हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग देते हैं जिससे हमारी टो आसानी से स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद हम जो है यहाँ पे टेंशन रिलीज कर देते हैं, टेंशन कम कर देते हैं जिससे हमारी जो है टो जो है रिलैक्स होती है। ये रिलैक्सेशन जोन है और इस रिलैक्सेशन जोन में हमारी जो है फाइबर बल्क जो है बल्कनेस आ जाती है, टो में जो है बल्कनेस आ गई और ये बल्की जो है टो हमारी इंटर करती है कटिंग यूनिट में। जो एनविल हमारा है, एनविल और कटर स्पाइरल कटर के बीच हमारी जो है टो दोनों टो पास होती हैं और ये जो है टो जब यहाँ पे पास होती हैं तो हमारा जो प्रेशर के माध्यम से जो एनविल पे हमारा प्रेशर लग रहा है ऊपर कटर पे जो है
यहाँ पे टू हमारी जो है कटती जाती है और कट करके एप्रन के माध्यम से फिटिंग जोन में, यहाँ पे हमारा जो है गिल बॉक्स का हेड है, गिल बॉक्स के हेड में जो है फिट रोलर के माध्यम से इंटर करता है और हमारा फॉलर है, ड्राफ्टिंग रोलर है, फॉलर और ड्राफ्टिंग रोलर फाइबर को जो है फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव करते हैं, फाइबर की को जो है ड्राफ्टिंग करते हैं और ड्राफ्टिंग के बाद यहाँ जो है हमारा स्लाइवर फार्म में कैन में हमारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा जो है फिलामेंट है, फिलामेंट की स्ट्रेचिंग किया, कटिंग किया और कटिंग के बाद ड्राफ्टिंग किया और ड्राफ्टिंग के बाद हम जो है कैन में कलेक्ट कर लेते हैं और इस कैन को फर्दर प्रोसेस के लिए हम फर्दर इसकी गिलिंग करते हैं और गिलिंग के माध्यम से हम टॉप फार्म में मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं, मेटल को हम टॉप फार्म में कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा कन्वर्जन हो गया किससे, टो टू टॉप फार्म में। ये जो कटर में जो स्पाइरल कटर जो लगा होता है, ये इस तरीके का कटर की हमारी डिजाइन होती है, ये दो स्पाइरल ब्लेड के बीच में जो डिस्टेंस है ये हम पिच कहते हैं और ये पिच पे डिपेंड करता है। पिच में जो जनरली हमारे कटर जो है तीन डिजाइन के होते हैं, 75 mm लेंथ के, 85 mm लेंथ के और 105 mm लेंथ के जो है कटर होते हैं। जिस तरीके के जिस लेंथ के हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है उस कटर को हम मशीन पे पुट करते हैं और हम फाइबर को उस लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस फाइबर स्टेपल लेंथ में हम फाइबर को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कटर की वर्किंग देख रहे हैं कि हमारा एनविल है, स्पाइरल कटर है, इन दोनों के बीच से हमारा जो है टो पास हो रही है और प्रेशर अपर रोलर पे प्रेशर है, प्रेशर के माध्यम से जो टो जो है शॉर्ट फाइबर में स्टेपल फाइबर में जो है हमारी टो जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेथड जो है टो टू टॉप कटिंग में जो है एक कटर मेथड से जो है हम कन्वर्ट करते हैं टो को स्टेपल फाइबर में। यहाँ पे जो है आप फाइबर देख रहे हैं उल फाइबर, ये उल फाइबर के जो हमारी उल फाइबर नेचुरल फाइबर है उस नेचुरल फाइबर की लेंथ के अनुसार हम फाइबर को कट करते हैं। यहाँ पे जो है फाइबर की जो कटिंग है, फाइबर जो कन्वर्जन है, दो मेथड दिया गया है, स्ट्रेच ब्रोकन एंड कट कन्वर्टेड मेथड। जो यहाँ पे कटर लगा है 88 mm का कटर लगा है इस कट मेथड में। तो यहाँ पे हमारा ये जो उल फाइबर ये डॉटेड लाइन है, ये उल फाइबर की फाइबर लेंथ है, ये फाइबर हमारी की फाइबर लेंथ है, ये फाइबर परसेंटेज है। तो ये फाइबर लेंथ जो है इस उल फाइबर में जो इस लेंथ के फाइबर होंगे, यानी जनरली जो है अगर हम यहाँ पे 88 mm का अगर कटर लेते हैं तो हमारा फाइबर भी 88 mm का इसी लेंथ उल फाइबर के अनुसार एडजस्ट हो जाता है और अगर स्ट्रेच ब्रेकिंग करते हैं तो स्ट्रेच ब्रेकिंग में हमारे फाइबर इसी लेंथ के अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम 88 mm का फाइबर अगर उल की हमारी फाइबर लेंथ उल फाइबर लेंथ अगर जो है यहाँ पे 75 mm या उससे एबव है तो हम उस केस में जो है 88 mm का कटर इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न टो टू टॉप कटिंग मशीन, यहाँ जो है अब हम कटर को डिस्कस करेंगे, टो टू टॉप कटिंग मशीन को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न टो टू टॉप कटिंग मशीन कट कन्वर्टर द फिट बैच इज जनरली फॉर्म बाय टू टो व्हिच आर प्लेस्ड बिहाइंड द मशीन एंड आर कन्वेड बाय मींस ऑफ गाइड बार एंड टेंशन रोलर। यहाँ पे जो है हम दो टो को इस्तेमाल करते हैं इस टो टू टॉप कटिंग मेथड में, हम दो टो और मशीन के पीछे जो क्रिल के साइड में हम टो को जो है पुट कर देंगे और क्रिल से टो को जो हम क्रिल से पास करते हुए हम लाएंगे बाय मींस ऑफ गाइड बार द टेंशन रोलर, गाइड रोलर और टेंशन रोलर से के बीच से हम टो को पास करते हुए और कहाँ पे ले जाते हैं, कटिंग यूनिट में ले जाते हैं। द अटेंशन हैज टू बी पेड सो दैट द मटेरियल रीच द कटिंग रोलर, और जो है मटेरियल हमारा कटिंग रोलर में पहुंचता है इन फॉर्म ऑफ रेगुलर स्लाइबर और रेगुलर स्लाइबर के रूप बल्कि स्लाइबर के रूप में हमारा मटेरियल जो है कटिंग जोन में पास होता है। रेगुलर स्लाइबर विद पैरेलल स्ट्रेच्ड एज वेल एज ओपन फिलामेंट, और यहाँ पे जो है फाइबर की स्ट्रेचिंग हो जाती है, फिलामेंट की स्ट्रेचिंग होती है, रिलैक्सेशन जोन से रिलैक्सेशन करते हैं तो इस तरीके से फाइबर फिलामेंट हमारे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। एंड इंटरसेक्टिंग हेड ओपन द फाइबर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम यूनिफॉर्मली थिनिंग द स्लाइबर, और इस तरीके से हम एक कटिंग से जो है फाइबर की कटिंग हो जाती है और इंटरसेक्टिंग हेड हम यहाँ पे जो है जो ड्राफ्टिंग जोन है उस ड्राफ्टिंग जोन में फाइबर को जो है फॉलर जो हेड है हमारा फॉलर हेड है उस फॉलर हेड में हम इस फाइबर जो हमारे इंटर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द यूनिफॉर्मली थिनिंग द स्लाइबर, और इस तरीके से जो है आगे जो है हेड से जो ड्राफ्टिंग होकर के हमारे यूनिफॉर्म
थिन स्लाइवर जो है प्रोड्यूस होते हैं. क्रिम्पिंग डिवाइस कंसोलिडेटेड द स्लाइवर विच इज फाइनली कलेक्ट इनटू कैन. और ये जो है फाइबर हमारे क्रिम्पिंग यूनिट से पास होते हैं और क्रिम्पिंग यूनिट से पास होने के बाद जो है फाइबर हमारे फाइनली कैन में कलेक्ट कर लिए जाते हैं. टेक्निकल डाटा, यहाँ पे जो है हम मशीन का टेक्निकल डाटा देख रहे हैं. यहाँ पे दो टो हम जो है फिट करते हैं मशीन में और उनका मैक्सिमम जो हमारा वेट होगा टो का 250 किलोटेक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. टोटल लीनियर मास 1 R 2 टो मैक्सिमम 250 किलोटेक. द लीनियर मास ऑफ सिंगल फिलामेंट, जो हमारा सिंगल फिलामेंट है वो जो है 1.3 से लेकर के 17 डेसीटेक्स का होता है. और एवरेज फाइबर लेंथ, जो फाइबर लेंथ जो हम जो कटिंग करते हैं वो 75 mm, 88 mm व 105 mm. यानी जो कटर हमारे तीन टाइप के कटर होते हैं वो 75 mm के, 80 mm के, 88 mm के और 105 mm के. हम जनरली वूल फाइबर के केस में 88 mm के जो है फाइबर 88 mm का कटर हम इस्तेमाल करते हैं वर्सेड स्पिनिंग के केस में. डिलीवरी स्लाइबर 115 to 75 किलो स्टेक्स, जो हमारा स्लाइबर जो कटिंग के बाद जो स्लाइबर हमारा निकलेगा वो जो है 15 to 30 किलो स्टेक्स के बीच में. मैकेनिकल फीडिंग स्पीड 280 मीटर पर मिनट. इफेक्टिव आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिलता है मशीन से 250 to 350 किलो केजी पर आवर, एक आवर में इस रेंज में प्रोडक्शन होता है. ओवरऑल डायमेंशन 4.5 × 14.5 मीटर, यानी जो मशीन का डायमेंशन होता है वो जनरली जो है 4.5 मीटर से विथ और 14.5 मीटर उसकी मशीन की लंबाई होती है. इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप टो टू टॉप कन्वर्जन प्रोसेस को जो है इन दो मेथड से, स्ट्रेच ब्रेकिंग मेथड और कटिंग मेथड से जो है फाइबर को टो से, टो फार्म से हम स्टेपल फाइबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस मेथड को आप समझ गए होंगे. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.